देसी चिकन कसा। चलिए आज कुछ डिफरेंट स्टाइल में आज बनाते हैं। मैंने कुछ लिया है अभी कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरा मिर्ची, कटा हुआ दूढ़ा आलू और तेज़पत्ता। और इसमें मैंने लिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, चिकन मसाला और रेड चिली पाउडर। और लिया है सरसों का तेल 4 चम्मच, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 1 किलो चिकन कटा हुआ देसी चिकन। अब ये चिकन को मैं इसमें डाल दूँगी, ये सब मिला दूँगी एक एक करके। फिर इसको मिला के मिक्स करेंगे, मिक्स करके 5-10 मिनट छोड़ देंगे उसको। फिर इसको डायरेक्ट बिठाएंगे कढ़ाई में। मसालों को बिना भून के ये रेसिपी बनेगा अभी, बिना भून के डायरेक्टली सब कुछ डाल के इसको बनाएंगे। सब डाल दिए, हरा मिर्ची, प्याज, लहसुन सब डाल दूँगी इसमें। फिर इसको मिक्स कर दूँगी। ये मैंने अभी सब डाल दिया, अभी इसे मिक्स कर दूंगी। ये अच्छे से अभी मिक्स हो गया है, इसे 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। अभी 10 मिनट हो गया है, अभी गैस ऑन करके इसमें फिर मैं डायरेक्टली कढ़ाई बिठा दूंगी। गैस को एकदम धीमी आंच में ही मैं बिठाऊंगी, इसलिए गैस को मैंने स्लो किया है। अभी मेरा चिकन मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। मैंने ढक्कन लगा दिया है, अभी इसको छोड़ दूँगी 5 मिनट। अभी हो गया 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे उलट पुलट करके देख रही हूँ कितना पका है ये, और 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया है, ऑलमोस्ट एक पक गया है। दोस्तों आप इसे बना के खाइए, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाएगा, वो भी देसी चिकन। अभी मेरा रेडी हो चुका है चिकन, 10 मिनट भी हो गया है। ये मेरा चिकन रेडी हो गया है। दोस्तों आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, बहुत ही अच्छा लगेगा।